इसकी जो प्रैक्टिस 3-4 बार करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, इजी लगने लगेगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस एक बार दिस इज उज्ज्वल, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएससीसीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 बनाया है हमने, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था 2021 के और 2020 के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे 2021 में एमएससीसीटी में कैसे क्वेश्चंस आए थे विद इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी नहीं देखी है तो वो देख कर आए, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट और बहुत सारी थ्योरी अगर आपकी क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद गैल्वेनोमीटर और एमीमीटर का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें जो है हमारा सर्किट इट शुड बी इन पैरेलल, और अगर हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारा जो सर्किट है इट शुड बी इन सीरीज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूला मैंने बताए थे और उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एमएससीसीईटी 2021, सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस जी ओम एंड आईजी इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हिच प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन S1, ठीक है, which produces full scale deflection S1 is the value of shunt which converts it into an ammeter of range 0 to 3i, मतलब ये जो स्टेटमेंट यहां से बोला हुआ है S1 is the value of shunt which converts it into an ammeter of 0 to 2, 3i, ठीक है। तो यहां क्या है कि जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, शंट मतलब पैरेलल होता है, और शंट के लिए पैरेलल अगर हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट है तो क्या फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू IG G अपॉन I माइनस IG। दिस इज द जनरल फॉर्मूला अगर हमारा जो सर्किट है वो किस में कनेक्टेड है, इफ एमीटर और गैल्वेनोमीटर से बन रहा है तो, ठीक है। तो यहां पे हमें ये फॉर्मूला तो क्लियर है, लेकिन आगे डेटा क्या बोला हुआ है, जब S1 शंट रेजिस्टेंस है तब हमारी जो वैल्यू है करंट की वो 0 से 3i में जा रही है, मतलब क्या कि यहां पे हमारा जो करंट है वो कितना है 3i का है, बाकी आईजी के बारे में कुछ नहीं बोला है, जी के बारे में कुछ नहीं बोला है, आईजी के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, अभी यहां तक तो हमें इतना समझना है। तो मैं बोलता हूं जब हमारा शंट रेजिस्टेंस S1 है तब हमारी I की वैल्यू जो है वो कितनी है 3i है, ठीक है, क्योंकि अगर वो 0 जा रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट 3i लिखेंगे, हाँ। और ये हो गया, हम ऐसे ही एज इट इज रखते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। आगे एंड S2 इज द शंट रेजिस्टेंस व्हिच कन्वर्ट्स इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू 4i, मतलब क्या जब हमारा शंट रेजिस्टेंस S2 है तब IGG की वैल्यू, I की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 0 से 4i पे जा रही है, सो इधर क्या होगा, S2 विल बी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आगे फाइनल क्या बात करते हैं, द रेशियो ऑफ S2 अपॉन S2 टू S1 इज, तो रेशियो बताना है हमें कि S2 बाय S1 का रेशियो क्या होगा। सो इसको चेक करोगे S2 बाय S1 की वैल्यू अगर हम पुट करके देखेंगे तो हियर IGG अपॉन 4i माइनस IG, तो IGG अपॉन 4i माइनस IG, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें पता है अगर वो टर्म डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में चला गया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको न्यूमिनेटर में ले लेते हैं, सो जो चीज नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी, जो मतलब वही कि डिनोमिनेटर में जो टर्म था वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो दिस विल बी माय अपवर्ड्स 3i माइनस IG ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा IGG अपॉन G, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो S2 बाय S1 की वैल्यू 3i माइनस IG अपॉन 4i माइनस IG, व्हिच इज आवर ऑप्शन B1 इज करेक्ट वन, ठीक है। होप सो सवाल इजी था, बस क्या था इसके अंदर कि क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है कि S1 और शंट रेजिस्टेंस कैसे एक दूसरे को कनेक्टेड है, एंड हमें फॉर्मूला अगर याद है तो वैल्यू सॉल्व करनी आसान है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, इसका फॉर्मूला और इसका कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी में जल्दी से बता दिया था, वही चीज हमें अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट The balancing length of a cell is 240 cm. तो balancing length जो है वो कितनी है, 240 cm की है, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे balancing length दिया है, मतलब क्या दिया हुआ है, this value balancing length मतलब हमें L1 देके रखा है 240 cm,
ठीक है ओके। ऑन शंटिंग द सेल विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, मतलब आर की वैल्यू दी है 2 ओम, द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स हाफ द इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ। सो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो पहले जितनी थी उससे हाफ हो गई है, मतलब अगर पहले 240 था तो अब कितना हो गया है L2 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा तो फिर चांसेस है कि हमको ये सवाल सॉल्व करने को नहीं हो पाएगा। आगे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या फाइंड करना है, स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा ये सारी डेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर आर है ना इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या, आर ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1, सही है, क्योंकि ये मैंने फिर थ्योरी में बताया कि अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज आर ब्रैकेट L1 बाय L2 माइनस 1। ठीक है, और ये L1 L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, और बैलेंसिंग लेंथ के बारे में हमें L1 बोला है 240, L2 बोला है हाफ है। ठीक है, तो वहां पे L2 120 हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू आसान है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है 2 है, और ये L1 कितना है 240 अपॉन L2 है 120 माइनस 1, दैट मींस इसको सॉल्व करके आगे चलोगे तो ये तो 120, 240 में से 120 जाएगा तो 120 ही आ जाएगा, सही है ना, 240 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 मींस 120 बाय 120 आएगा, और 120 बाय 120 कैंसिल हो जाएगा तो R की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 2 है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, मैंने इस चीज को बताया भी है, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है पोटेंशियोमीटर के, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये MSCCD 2021 का ही क्वेश्चन है, मतलब फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल आया है और अगले साल मतलब 22-23 में भी आ सकते हैं। एकदम इजी सवाल पूछा है, क्वेश्चन इज द क्रिचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ, तो क्रिचॉफ्स करंट लॉ KCL एंड KVL किस लॉ के ऊपर कंजर्व करा रहे हैं, तो मैंने थ्योरी में भी बताया था Kirchhoff's current law is conservation of charge and Kirchhoff's voltage law is conservation of energy. ठीक है, ये सवाल भी 2021 में ही पूछा गया है, बोला गया है EMF का is E1 and E2 are connected in series, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया है, E1 is greater than E2, the balancing length is 64 centimeter of wire, मतलब क्या कि E1 और E2 को कनेक्ट किया गया है, और जब उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज के अंदर तो उनका बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 64 सेंटीमीटर है। तो लेट्स सपोज कि हमें यहाँ पे बोला गया है, वो चीज को थोड़ा समझते हैं, कि हमें ऐसा बोला गया कि E1 E2 दोनों को कनेक्ट किया गया है सीरीज के अंदर, एंड तब इसकी बैलेंसिंग लेंथ मतलब L1 कितना है 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे इफ द पोलैरिटी ऑफ E2 इज रिवर्स्ड, तो अगर हमने E2 की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 32 सेंटीमीटर, मतलब क्या कि E1 पोलैरिटी E2 की रिवर्स की है, मतलब प्लस था तो माइनस हो गया है, तो L2 मतलब बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला है बताओ रेशियो ऑफ E1 बाय E2 कितना होगा। ठीक है, तो ठीक है, E1 बाय E2 का मैंने फॉर्मूला बताया कि E1 बाय E2 का फॉर्मूला फॉर बैलेंसिंग लेंथ के लिए क्या हो जाता है, E1 मतलब L1 प्लस L2 हो जाएगा अपॉन L1 माइनस L2 हो जाएगा। सो देयरफॉर L1 क्या है दिया हुआ है 64 प्लस L2, मतलब क्योंकि E1 प्लस E2 मतलब ही L1 है, एंड दिस हमको क्या है 64 दिया हुआ है L1 के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझो, गलत होगा ये कि अगर हम डायरेक्ट सिर्फ इस टोटल की वैल्यू 64 ले ले, नहीं, L1 की वैल्यू 64 है प्लस L2 की वैल्यू 32 है डिवाइडेड बाय 64 माइनस 32, दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू ये वैरी कर रही है, हमें रेशियो फाइंड करना है E1 बाय E2 का, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये वाला याद रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रह जाएगा तो फिर आगे हमें कुछ नया करना जरूरत है नहीं, और 64 प्लस 32 होता है 96 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 32 इज 32, सो इसको सॉल्व करोगे तो रेशियो आंसर मिलेगा 3:1 का। ठीक है, 32:3 का, तो ऑप्शन C1 इज करेक्ट वन। ठीक है, अगेन MSCCD 2021 का क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, तो वायर है जिसकी लेंथ दी है 2 मीटर, मतलब L की वैल्यू है 2 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, मतलब क्या है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, किसका लेंथ जब 2 मीटर है तब उसका रेजिस्टेंस मतलब R की वैल्यू, स्मॉल R की वैल्यू 10 ओम दी है। ठीक है, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 990 ओम, फिर क्या किया गया है, इसी को ये जो हमारे पास लेंथ है और ये रेजिस्टेंस 10 ओम का जो है इसी को फिर से हमने कनेक्ट किया है किसमें, सीरीज में। ठीक है, तब उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जा रहा है विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 990 ओम, मतलब तब रेजिस्टेंस कितना है 990 ओम का है, मतलब क्या
कि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट ही था, बट जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो एक और रेजिस्टेंस था जो कि 990 ओम का था, उसके साथ हमने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो अंदर की तरफ से कनेक्टेड है जब लेंथ एल है तब, और ये जो है ये बाहर से कनेक्टेड है। सो देयरफॉर हमारा आर एक 10 ओम है, दूसरा कैपिटल आर जो है वो 990 ओम है, और तब जब रेजिस्टेंस 990 का है और ये स्मॉल रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ये दोनों जब एक दूसरे को कनेक्टेड है तब एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, कितने का, 2 वोल्ट का। मतलब हमें यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू देके रखी है, दैट इज ईएमएफ, ठीक है, मैं ई से बताता हूँ इसको, विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट, ओके। द पोटेंशियल ग्रेडियंट की मतलब पीजी, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं बोलता हूँ पीजी, एंड इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है तो 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन पहला फॉर्मूला जनरली निकला ही किधर से है, V by L। सो ये हमें फॉर्मूला पता है V by L। अच्छा, तो अगर V by L का फॉर्मूला है और अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट ही बताना है तो ये वैल्यू तो हमको पता है, वो तो 2 मीटर है, लेकिन बात है कि V कितना है, ठीक है, और V हमको दिया नहीं है। सो मैंने पहले भी बताया था अगर V हमें फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्चुअली क्या फॉर्मूला है V फाइंड करने के लिए, V इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, ठीक है, करंट इंटू आर, करेक्ट है ना, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ। तो इसके बाद I की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो R, ये हमें मालूम है ये 10 ओम का रहेगा, लेकिन करंट कितना है टोटल सर्किट के अंदर, ठीक है, तो टोटल सर्किट के अंदर जो करंट है वो फाइंड करने के लिए I इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, E अपॉन R प्लस कैपिटल R, वेयर E कितना है 2 डिवाइडेड बाय R कितना है 10 प्लस 990। So it becomes as I की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 डिवाइडेड बाय 1000। सो देयरफॉर करंट मुझे मिल गया 2 डिवाइडेड बाय 1000, करेक्ट। अब इस करंट की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, सो देयरफॉर मेरा फार्मूला V इज इक्वल टू I कितना है 2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू R कितना है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है 10 का है, इसलिए इस कैपिटल R को लेने के बजाय मैं इस R को ले रहा हूं, ठीक है, ये बात समझो, कॉन्सेप्ट है, ओके। नेक्स्ट ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। So therefore V की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस ये क्या हो गया 0.02 मिल जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू 0.02 किसकी मिल गई, V की मिल गई। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में पुट कर दो, V है 0.02 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है, लेंथ दिया है 2 मीटर, तो वो 2 × 2 हो जाएगा, तो 0.01 वोल्ट पर मीटर मिल जाएगा मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। सो देयरफॉर माय ऑप्शन A1 इज करेक्ट, 0.01 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। This is how, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है, भले ही 2020 का हो, लेकिन इस क्वेश्चन को लेने का प्रॉब्लम मतलब एम ये है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारे क्लियर हो जाते हैं, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को V by L लेना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस थोड़ा डिफिकल्ट है प्रॉब्लम, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि V by R कब लेना है, I is equal to E by R plus R कब लेना है, और ये तो इसकी प्रैक्टिस करो। आई होप ये सारी चीजें जो समझाई समझ में आई है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5 क्वेश्चन और इसके पहले 4 क्वेश्चन कराए हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश की है हमने, एंड आई होप सो कि सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं इसके अंदर। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।